मरने के 3 दिन बाद बेटी की शादी में बाज बनकर पहुंच गया पिता। चमत्कार देख दुनिया हैरान रह गई। शादी की सारी रस्में अदा की, पंगत में बैठकर खाना भी खाया और बता दिया सबको, देखो हम लड़की के पिता हैं, पक्षी के भेष में कन्यादान करने आए। लोगों ने पक्षी को भगाने का काफी प्रयास किया पर वह नहीं भागा और जबरन शादी में हो गया शामिल और पिता का हर फर्ज निभाता गया बाज। बेटी का कन्यादान करने के लिए एक पिता किसी भी हद तक जा सकता है, ऐसा आपने सुना होगा। लेकिन क्या कभी आपने ये सुना कि कोई पिता मरने के बाद भी अपनी बेटी का कन्यादान करने पहुंच गया हो, और वो भी किसी पक्षी के भेष में? नहीं सुना ना, लेकिन ये सच है। दरअसल एक वीडियो ने हर आदमी को हैरान कर रखा है, क्योंकि इस वीडियो में एक पिता जिसकी बेटी की शादी से 3 दिन पहले मौत हो गई थी और वह अपनी चिता से उठकर एक पक्षी के भेष में बेटी का कन्यादान करने घर वापस पहुंच गया। कहानी सुनने में आपको अटपटा जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये एक सच्ची घटना है और वो भी महज 2 दिन पहले की। दरअसल मध्य प्रदेश के दमोह जिले में हैरान करने वाला मामला सामने आया। जिस पिता की 3 दिन पहले एक्सीडेंट में मौत हो गई, उसकी बेटी की शादी में एक बाज पक्षी पहुंचा। हैरानी की बात ये कि वह घर में शादी की सभी रस्मों में भी शामिल रहा, इतना ही नहीं शादी की पंगत में बैठकर खाना भी खाया। बता दें जिले के रंजरा गांव में रहने वाले जालम सिंह लोधी की बेटी इमरती की शादी 21 अप्रैल को तय थी। इससे 3 दिन पहले 18 तारीख को एक सड़क दुर्घटना में पिता जालम की मृत्यु हो गई। इसके बाद गांव के लोगों ने बेटी की शादी मंदिर में कराने का फैसला लिया। शादी की तैयारियों के बीच ही एक दिन अचानक बाज पक्षी उड़कर आया और घर के आंगन में आकर बैठ गया। काफी देर तक लोगों ने बाज को उड़ाने का प्रयास किया, लेकिन वह उड़ा नहीं। फिर दुल्हन बनने जा रही इमरती की माँ नैनीबाई ने पक्षी को दूध भी पिलाया। इसके बाद तो पक्षी घर वालों से पूरी तरह हिल मिल गया। यही नहीं, घर वाले जब शादी के लिए मंदिर की ओर निकले तो उनके कंधों पर बैठकर बाज भी निकल पड़ा। शादी की रस्मों के बीच बाज हर पल मौजूद रहा। इसके बाद स्टेज पर वरमाला के समय दुल्हन के सिर पर जाकर बैठ गया। घर के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद दिवंगत पिता बाज पक्षी के रूप में आए और अपनी बेटी को आशीर्वाद दिया है। अब ये बाज पक्षी की कहानी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। हालांकि दा शिवा कुमार इस तरह के दावों का पक्षधर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट।